नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल राधा योगी इस महावर में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मसाला डोसा, और वो भी कढ़ाई में। तो देखते जाइए हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हमें चटनी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, हमने हरा धनिया काट के मिक्सी में डाल लिया है। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डालेंगे इसमें थोड़ा सा उबला हुआ पालक, थोड़े से कड़ी पत्ते और डालेंगे हरी मिर्ची कटी हुई, ये 5 से 6 हरी मिर्च हैं। और डालेंगे कटा हुआ टमाटर, ये 2 टमाटर हैं। और डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली और डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैं हरी मिर्च पिसी मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हरी मिर्चों से भी बना सकते हैं। और डालेंगे 1 पिंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। और अब बस इसको ग्राइंड करना है थोड़ा सा पानी डाल के। अभी इसमें एक चीज और डालनी है, वो है हींग। तो देखिए दोस्तों, हमने हींग भी डाल दी है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो हमारी चटनी बनकर एकदम रेडी है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हम तड़का। तो तड़के के लिए तेल गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, तड़कने देते हैं। और साथ ही साथ डालेंगे 2-3 कड़ी पत्ते और ये अच्छे से तड़क गए हैं। इनको इनको अब हम डालेंगे चटनी में। तो हमारी चटनी बनकर एकदम से रेडी है दोस्तों। देखो, ये बहुत ही पेस्ट ऐसा पिसा है, बिल्कुल फाइन पिसा है इसका पेस्ट। तो ये चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब हम बनाएंगे डोसा। तो उसके लिए लेंगे हम 1 चम्मच मूंग की दाल का पेस्ट। ये हमने रात को भिगो के रख दी थी और इसका पानी निकाल कर धुल कर इसे हमने पीस लिया है। और 1 चम्मच लेंगे हम चावल का पेस्ट। इनको भी हमने गला दिया था और इन्हें धुलकर पीस लिया है। अब इनको फेंट लेंगे हम और लेंगे 1 चम्मच हरी चटनी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे इसमें पानी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। कुछ देर फेंटने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग और इसे और अच्छे से फेंटेंगे। तो देखिए, हमने पैटर को एकदम से ऐसा कर लिया है, हमें कुछ इस तरीके का चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और इसे गरम होने देते। देखो, हमारी कढ़ाई गरम हो गई है और इसमें हमने पानी डालकर इसे अच्छे से पोंछ लिया है। अब डालेंगे हम इसमें अपना पैटर। और इसे अच्छे से फैला लेंगे। हमने फैटर को फैला लिया है और इसकी हमें आंच मीडियम कर देनी है, बिल्कुल लो टू मीडियम, और इसे अच्छे से पकने देना है। देखिए, ऊपर से ऐसे सूख जाएगा सारा। और सूखने के बाद इसे डोसा हमारा ऊपर से सारा का सारा सूख गया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से और पकने देते हैं थोड़ी देर। और फिर इसे चक्कू की मदद से थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा ऐसे किनारों से ऐसे हटाएंगे और हमारा डोसा बनकर तैयार है। इसे पलटते हैं अब हम। तो अब इसे निकालेंगे प्लेट में और ऐसे ही हम सारे डोसों को बना लेंगे। तो इसे हम सूखने देते हैं एक और डोसे को।
तो देखिए ये डोसा भी हमारा अच्छे से ऊपर से सूख गया है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा तेल और इसे भी पलटते हैं। और इसका भी हम रोल बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे डोसे बनकर तैयार हैं और ये एकदम से क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों हमारे डोसे एकदम से बनकर तैयार हैं और चटनी भी एकदम से रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, ये टूटने में भी बहुत ही आराम से टूट जाते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप एक बार इनको बनाकर देखिएगा और खाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं मूंग दाल और चावल के डोसे। तो अगर मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।